निवासी डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। डॉक्टरों की मांग को लेकर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होने से रोष बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल मार्ट ने रविवार को भी कोई नतीजा नहीं निकलने पर सोमवार को आपात सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी जानकारी मार्ट जीएमसी नागपुर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आदर्श किनकम ने दी है। हड़ताल के तीसरे दिन मेयो और मेडिकल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टरों ने बताया कि आईसीयू सेवा शुरू रखी जाएगी। आपात सेवा बंद करने के बारे में मेयो और मेडिकल के अधिष्ठाता समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र सौंपा गया है। राज्य भर के निवासी डॉक्टर्स 1 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में मेयो व मेडिकल के 520 डॉक्टर्स शामिल हैं। कोरोना काल में निवासी डॉक्टरों ने मरीजों का निरंतर इलाज किया है। दूसरी लहर में अपने परिवार तक को भुलाकर सेवा दी थी। उनके 3 साल के MD कोर्स के दौरान 20 महीने कोरोना काल में बीत गए। कोविड के बाद नॉन कोविड मरीजों को सेवा देने में लगे हुए हैं। उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने फीस माफ करने की मांग की थी। इस बारे में उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन पूरा नहीं किया गया। सरकार की तरफ से मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को पूरे रेसिडेंट डॉक्टर्स का पैन महाराष्ट्र स्ट्राइक डिक्लेयर किया था। हमारे कुछ 5-4 मांगे थी, जिसे हम पिछले 5 महीने से सरकार को निवेदन कर रहे हैं और रेगुलर फॉलोअप लिया जा रहा है, लेकिन अब तक हमें लेखी में कुछ दिया नहीं गया। इसलिए आज हमारे स्ट्राइक का तीसरा दिन है और हमने स्ट्राइक जारी रखी है। पिछले 1.5 साल से कोविड के काल में हमारे कोविड वॉरियर्स ने अपनी जान पे खेल के सेवा दी है, और ये सेवा देते हुए कुछ कोविड वॉरियर्स शहीद हो गए। आज इस कैंडल मार्च द्वारा हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज हमारे स्ट्राइक का तीसरा दिन है। अब सेंट्रल मार्ट के निर्देश अनुसार अगले 24 घंटे यानी कि कल 3:30 बजे तक हमने, यदि हमें